मधुबाला बॉलीवुड की एक ऐसी हसीन अदाकारा रही हैं, जिन्हें आज भी खूबसूरती की मिसाल माना जाता है। आपको बता दें, फिल्म मुगले आजम से मशहूर हुई मधुबाला का नाम उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नजरों में अनारकली के रूप में बस गई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मधुबाला से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड में मधुबाला के नाम से मशहूर अभिनेत्री का असली नाम बेगम मुमताज जहां दहलवी है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। 11 संतानों में मधुबाला अपने पिता की पांचवी संतान थी। 1942 में मधुबाला बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज के नाम से फिल्म बसंत में दिखाई दी। बेबी मुमताज के अभिनय से प्रभावित होकर हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी ने उनसे अपने बैनर बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा में काम करने की पेशकश की, लेकिन मधुबाला उस फिल्म में काम नहीं कर पाई। उस समय देविका रानी ने मुमताज जहान दहलवी को अपना नाम बदलकर मधुबाला नाम रखने की सलाह दी। वहीं मधुबाला को फिल्म अभिनेत्री के रूप में पहचान साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल से मिली थी। इस फिल्म के असफल होने से भले ही वो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए, लेकिन बतौर अभिनेत्री उनका सिने करियर जरूर शुरू हो गया। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1942 की फिल्म बसंत से की थी। ये काफी सफल फिल्म रही और इसके बाद इस खूबसूरत अदाकारा की लोगों के बीच पहचान बनने लगी। वर्ष 1947 में आई फिल्म नीलकमल मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो मधुबाला के नाम से जानी जाने लगी। इस फिल्म में महज 14 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने राज कपूर के साथ काम किया था। नीलकमल में अभिनय के बाद से उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। इसके 2 साल बाद मधुबाला ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में अभिनय किया और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने उस समय कई सफल अभिनेता जैसे अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। साल 1960 के दशक में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी से पहले किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल किया और नाम बदलकर करीम अब्दुल हो गए। उसी समय मधुबाला एक भयानक रोग से पीड़ित हुई। शादी के बाद रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन चले गए थे। लंदन के डॉक्टर ने मधुबाला को देखते ही कह दिया था कि वो 2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। इसके बाद लगातार जांच से पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और इसकी वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार मान गए और कह दिया कि ऑपरेशन के बाद भी वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इसी दौरान उन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा और उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया। साल 1969 में उन्होंने फिल्म फर्ज और इश्क का निर्देशन करना चाहा, लेकिन ये फिल्म नहीं बनी और इसी वर्ष अपना 36th बर्थडे मनाने के 9 दिन बाद यानी 23 फरवरी 1969 को बेपनाह हुस्न की मल्लिका दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। मधुबाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मनोरंजन जगत में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उनकी तस्वीर वाले बड़े बड़े पोस्टर्स आज भी लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। तो अगर आप भी मधुबाला के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।